ब्रेक के बाद हाजिर हैं। 10 रीजन 10 खबरें देख रहे हैं। बढ़ते आगे, ग्वालियर जिला प्रशासन ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने मुरार के कालपी ब्रिज इलाके में बनी गणेश कॉलोनी में कार्रवाई की। निगम के अमले ने नदी किनारे बने आधा दर्जन मकानों पर बुलडोजर चलाया। दरअसल मुरार इलाके से निकलने वाली नदी को अपने स्वरूप में लाने के लिए हाईकोर्ट ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को आदेश दिया था, जिसके तहत नदी किनारे अतिक्रमण को हटाया जाना है। इस आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिए तो नदी के आसपास बने अतिक्रमण और वहां अवैध मकानों पर बुलडोजर चला और करीब आधा दर्जन मकानों को जेसीबी मशीन ने धराशायी कर दिया। इस दौरान पुलिस और जिन लोगों के ये घर थे उनमें झड़प भी देखने को मिली है।